नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 25वें दिन की कथा, अध्याय 25 में श्री कृष्ण का सत्यभामा से पाप पुण्य के कर्म फल का वर्णन करना। श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्यारी, इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर प्रसन्न मन होकर राजा प्रथु ने नारद जी को यथाविधि पूजन करके आदर पूर्वक विदा किया। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, माघ, कार्तिक और एकादशी, ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, मासों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों में द्वारिका मुझे अति प्रिय हैं। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन, पूजन और आराधन करता है, वह मुझे उतना प्रिय होता है जितना यज्ञ आदिकों के करने से भी नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को पापों से भय नहीं रहता। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरों के दिए हुए आधे पुण्य से ही कलहा तर गई, सो ये आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है जो आपको इतना प्रसन्न करने वाला है। जो पति से बैर करने वाली स्त्री कलहा भी कार्तिक के स्नान के पुण्य से तर गई। हे नाथ, दूसरों का किया हुआ पुण्य उसके देने से मिल जाता है या बिना दिए भी मिल जाता है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म से मिलते हैं वो मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, काम और कुल का किया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है वैसा ही पाप और पुण्य का फल उसे भोगना पड़ता है। और संसर्ग करने पर जैसे पाप पुण्य दूसरों को मिलते हैं, वो सुनो, एक जगह बैठने से, विचार करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पाप पुण्य का आधा आधा फल मिल जाता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त करता है। सेवा करने से, देखने, सुनने और दूर की बातों पर ध्यान देने से मनुष्य 100वें पाप पुण्य के भागों को पाता है। दूसरों की निंदा करना, चुगली और धिक्कार देने से मनुष्य उसके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य दे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता हुआ सेवा करता है और उसे सेवा के अनुसार जो धन न दिया जाए, तो वह धन उसे पुण्य के रूप में प्राप्त हो जाता है। एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वाले मनुष्य की पत्तल को जो लांगता है, वह उसके पुण्य से छठे अंश को प्राप्त करता है। स्नान या संध्या आदि करते समय जो मनुष्य दूसरों को छू ले अथवा बात करे, तो वह अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे व्यक्ति को दे देता है। धर्मार्थ जो पुरुष दूसरों से धन मांगता है, तो उसका कर्म फल देने वाले को ही मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है, और जो धनी है उसी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले जाता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य को सामग्री देता है और प्रेरणा देता है, वह भी उसके छोटे अंश का भागी होता है। जैसे प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है, उसी तरह से शिष्य का गुरु, स्त्री का पति और पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पुरुष दूसरों के हाथ से दान करता है, तो करने वाला भी नौकर और पुत्र को छोड़कर छठे अंश को प्राप्त करता है। जीविका देने वाला भी खाने वाले के पुण्य के छठे अंश को पाता है। यदि बदले में वह उससे सेवा ले लेता है, तो कुछ नहीं पाएगा, और सेवा न कराए तो ऐसे
बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। इसी प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को अपने किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है। पाप और पुण्य को भोगने वाला स्वयं कर्ता ही होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे भी सुनो। तीसरी कार्तिक मास महात्म 25वां अध्याय संपूर्ण।